बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल पुथल के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नोबल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हिंसा पर पहली बार बयान दिया है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बरकत, और पहली बार उन्होंने क्या बयान दिया है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। मोहम्मद यूनुस ने कबूल किया है कि बांग्लादेश में हिंसा के दौर के बीच हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों समेत दूसरे अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर जानबूझकर निशाना बनाया गया है। बहरहाल, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राजनीतिक संकट से जूझ रहे देश में अल्पसंख्यकों के हमले के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया है। जब मोहम्मद यूनुस से राजनीतिक उथल पुथल के बीच दंगों से जूझ रहे बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों पर हमले के मुद्दे पर पूछा गया तो यूनुस ने हमले से खुद को अलग कर लिया और कहा कि ये एक साजिश है। उन्होंने कहा कि नई सरकार साजिश को ख़त्म करेगी और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ लेने पर मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सामान्य हालात बहाल होंगे और उस देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनुस ने शपथ ली है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने राष्ट्रपति भवन बंग भवन में आयोजित एक समारोह में 84 वर्षीय यूनुस को पद की शपथ दिलवाई। नौकरियों में विवादास्पद कोटा प्रणाली को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और भारत भाग जाने के बाद मंगलवार को यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूनुस की बात करें तो मोहम्मद यूनुस एक बांग्लादेशी उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के नेता हैं। यूनुस को ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यूनुस को कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं। नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद यूनुस को शेख हसीना के आलोचक के तौर पर जाना जाता है। यूनुस को अमेरिका का भी समर्थक कहा जाता है। शेख हसीना ने 2008 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते ही मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मोहम्मद यूनुस अपनी व्यापारिक गतिविधियों से गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं। इसके बाद हसीना की सरकार ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ कई जांच भी करवाई। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने इन सभी गतिविधियों को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताया। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि मोहम्मद यूनुस के प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश में किस तरह से सरकार वो चला पाते हैं और अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं या उन पर जो जिस तरह की कार्यवाही हो रही है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।